नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। यूपी के कौशाम्बी जिले में 22 दिसंबर 2021 को शिक्षक एवं सामाजिक कार्यकर्ता रणविजय निषाद तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर नीरज सिंह के नेतृत्व में जल बचाओ जीवन बचाओ विषय को लेकर जल संरक्षण की मुहिम को गति दी गई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता रणविजय निषाद ने जल संरक्षण के साथ साथ परिसर में लगे पेड़ पौधों का नामकरण भी किया। उन्होंने आवाम को संबोधित करते हुए कहा कि जल संरक्षण एवं पौधारोपण एक दूसरे के पूरक है। बिना पौधारोपण के जल संरक्षण अधूरा है। आज मानव जीवन के लिए जल का संचयन करना बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता रणविजय निषाद ने जल संरक्षण के साथ साथ परिसर में लगे पेड़ पौधों का नामकरण भी किया। उन्होंने आवाम को संबोधित करते हुए कहा कि जल संरक्षण एवं पौधारोपण एक दूसरे के पूरक हैं। बिना पौधारोपण के जल संरक्षण अधूरा है। आज मानव जीवन के लिए जल का संचयन करना बेहद जरूरी है। आधुनिकता और प्रगति को आत्मसात करते हुए लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है, उससे जल संकट आज भयावह रूप ले चुका है। हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन कर बूंद बूंद जल बचा सकते हैं। जल संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आगे आने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में डॉक्टर नीरज सिंह ने मुख्य अतिथि श्री निषाद का स्वागत किया और आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदीप सिंह रोहिणी, डॉक्टर सुशील सिंह, डॉक्टर हसनैन तथा राजेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे।